फाइनली आज प्रेम गीत 3 रिलीज हो चुका है और मैं ये वीडियो एक दिन पहले रिलीज कर रहा हूँ ताकि हम लोग प्रेम गीत 3 के बारे में एक फाइनल टॉक कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेम गीत 3 के बारे में एक थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ। प्रेम गीत 3 एक ऐसी पहली मूवी है जो इंडो नेपाली मूवी है जो कि नेपाल के साथ साथ इंडिया में भी थिएटर में एक साथ ही रिलीज हो रही है हिंदी डब के साथ, और इसकी हिंदी डबिंग जो की है वो हमारे प्यारे संकेत मात्रे सर ने की है। बाकी इस मूवी का जो तुम्हें मैं बता दूँ, इस मूवी के जो म्यूजिक कंपोजर भी हैं वो भी हमारे इंडियन आइडल के विनर पवनदीप झा ही है, और इसके जो सिंगर है वो जुबिन नौटियाल है। ट्रेलर देखते तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक पीरियोडिक ड्रामा वाली मूवी है जिसमें या तो हीरो को प्रेम रोग चाहिए या राज रोग चाहिए, और हीरो को मिलेगा सिर्फ एक लेकिन चाहिए उसको दोनों। तो देखते हैं हीरो इसमें कैसे लेगा दोनों को। बाकी स्टोरी यार थोड़ी सी इसकी न्यू कंटेंट है, फ्रेश चीज़ बनाई है। मूवी तो आज रिलीज हो चुकी है, अभी इसके अगर हम कलेक्शंस की तो कल तक आ जाएगा कलेक्शन। तो इस मूवी का बजट है, अगर हम अभी बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट 3 से 4 करोड़ का है। अभी तुम लोग सोचोगे कि यार ये 3 से 4 करोड़ के बजट की मूवी के लिए तू इतना एक्साइटेड हो रहा है, तो भाई सुनो 3 से 4 करोड़ का बजट नेपाल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ये नेपाल की सबसे ज़्यादा बजट वाली मूवी है। और ये वहीं तुम बॉलीवुड की बात करो तो भाई ऐसी मूवीज़ तो यहाँ पर बनती रहती है 3 से 4 करोड़ वाली। लेकिन अभी इसके और बात करते हो तो प्रेम गीत 1 का भी जो बजट था वो 1 करोड़ था, और प्रेम गीत 2 का भी जो बजट था वो 2 करोड़ था। और वहीं बात करें प्रेम गीत 1 के कलेक्शन की तो उसने 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, और प्रेम गीत 2 ने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो भाई इसका कलेक्शन सोचो अब कितना होगा, और वो मूवी सिर्फ नेपाल में रिलीज़ हुई थी, ये इंडिया में भी रिलीज़ हो रही है। और इंडिया की ऑडियंस तो तुम लोगों को पता ही है कितनी ज़्यादा है। तो मूवी हम लोगों को एक अलग फ्रेश चीज़ दे रही है, क्योंकि यार अगर तुम्हें मैं बता दूँ कि इस मूवी में VFX का भी यूज़ ना के बराबर ही हो रहा है, क्यों जो कि जनरली अगर तुम्हें मैं बताऊँ तो जैसी ऐसी पीरियडिक ड्रामा वाली जो मूवी बनती है उसमें VFX भर भर के यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें VFX को अवॉइड करके ज़्यादा से ज़्यादा रियल प्लेसेस को यूज़ किया गया है। तो उस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड ज़्यादा हो जाता हूँ। अगर हम इसके कलेक्शन की ही बात करते हैं तो इसका कलेक्शन की प्रेडिक्शन मैं करता हूँ कि ये मेरे ख्याल से 8 से 9 करोड़ की ओपनिंग लेगी। लेकिन यार मेरे को थोड़ा सा इसकी ओपनिंग पे डाउट है, क्योंकि इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी बॉलीवुड की मूवीज़ भी रिलीज़ हो रही हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको बता देता हूँ, एक है चुप और दूसरी है धोखा। तो भाई वो भी एक अलग ही मिस्ट्री वाली मूवी है जिनके लिए भी इंडिया की ऑडियंस का एक अलग ही क्रेज़ रहता है ये मूवी कैसा परफॉर्म करेगी। तो बाकी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।